रोल है बता दूंगा। देखिए जिस तरीके से तबलीगी जमात का कारनामे निकल कर सामने आ रहे हैं, जैसे कि मौलाना साद का फरार हो जाना और दूसरी चीज़ों का कि जमात के ख़िलाफ़ बोलने पर किसी का मर्डर कर देना या किसी के साथ बदसलूकी कर देना, ये एक आम चीज़ है। हमेशा से देवबंद से इस चीज़ के लिए लोगों के दरमियान ये आम रही है कि जब भी इनके ख़िलाफ़ बोला जाता था तब भी लोगों के लिए मुसीबत बन जाती थी। अब आपको गौर ये करना है कि हम किस तरह से एकजुट होकर एक साथ होकर, चूँकि शुरू से ये लोग संदिग्ध रहे हैं, शुरू से इनकी मानसिकता कट्टरवाद पर रही है, शुरू से आतंकवाद को इन लोगों ने प्रमोट किया है। आप गौर कर लीजिए, चाहे जाकिर नाइक हो या चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज़ सईद हो या दूसरे अन्य ऐसे आतंकवादी संस्था से ताल्लुक़ रखने वाले अशखास हों, वो सब के सब तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लिहाजा हिंदुस्तान के लिए भी आंतरिक सुरक्षा के लिए या हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होकर एक चीज़ एक आवाज़ उठानी है और उठाकर ये कहना है कि कैसे भी करके हम लोग इसके बैन के लिए मांग उठाएं और मांग उठाकर प्रधानमंत्री को और हमारे गृहमंत्री को हम पत्र लिखें और हो सके तो किसी भी तरह से एक जमात बनाकर एक ग्रुप बनाकर उनसे मुलाकात करके इनकी बैन की मांग करें।